वेलकम टू माउंटेन व्यू। आज के इस वीडियो में इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए बिना कोई देर किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इसका आंसर होगा चाहुन दूरो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी, खेती थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोग जो मूर्ति बनाए थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी, तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल क्या थी? कृषि के लिए जो अपनाई गई पहली फसल थी वो गेहूं थी। सबसे पहले गेहूं ही उपजाई गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? यानी मनुष्य जब जानवर पालना स्टार्ट किए तो सबसे पहले जो है कुत्तों को पालने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है कच्छ, वहीं पे धोलावीरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? रंगपुर की जो उत्खनन हुई थी उसके उत्खननकर्ता यानी उत्खनन करने वाले कौन थे, तो उनका नाम था रंगनाथ राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया? तो सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया था? सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है? भारत में सबसे पुराना लोहा युग क्या जुड़ा हुआ है? धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध के किस विशाल भंडार था? लोहे का भंडार था छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हाइडेस्पी झेलम का युद्ध था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्राचीन भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत में ही लिखी जाती थी। ऐसे कि आप सब जानते होंगे संस्कृत बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, पुरानी भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सिकंदर का गुरु कौन था? इसका आंसर होगा अरस्तु। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। क्वेश्चन नंबर 46 है, वनस्पति का देवता कौन था? वनस्पति मतलब पेड़ पौधा होता है, वनस्पति का देवता कौन था? वनस्पति का देवता सोम देवता था, देवता का नाम सोम था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आर्य जो थे उस टाइम के जो लोग थे उनका सबसे प्रिय यानी सबसे प्यारा जो जानवर थे वो कौन था? वो घोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन काल में तांबे को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, पशुओं के देवता को क्या कहते हैं? पशुओं के देवता को क्या कहते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। यदि आप लोग पढ़े होंगे, अच्छे से हिस्ट्री को देखे होंगे, तो आपको इसका आंसर अवश्य मालूम होनी चाहिए।